फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का एक बड़ा बयान आया है। क्या है वो बयान, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये कहां की खबर है। खबर है महाराष्ट्र की। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री कहते हुए दिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वजह है जिस तरह से एक के बाद एक साजिश की जा रही है विपक्षी नेताओं के ऊपर, ये कहना है रामदास अठावले का। आपको ध्यान होगा, रिसेंटली एक पेन ड्राइव का मामला सामने आया था जो कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रोवाइड किया गया था, और उसी के चलते अब इस मामले में रामदास अठावले का एक बड़ा बयान आया है। फडणवीस के पेन ड्राइव बम के बाद रामदास अठावले कहते हुए दिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की वो मांग करेंगे और अमित शाह से इस बारे में सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात उनके सामने रखेंगे, ये कहना है रामदास अठावले का। आप लोग देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों का नाम आ रहा है, लेकिन विपक्ष के अगेंस्ट में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है रामदास अठावले का कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनसे इस बारे में अपनी बात रखेंगे और मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन जल्द लगाया जाए महाराष्ट्र में। तो इस खबर पर जो भी अपडेट्स आती जाएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए